तो भाई बहुत सारे लोगों ने चैनल पर कमेंट करके पूछा है कि जो भी हरियाणा रोडवेज में नई BS6 बस आई हैं उनमें टाटा बस की लंबाई अशोक लीलैंड के बस का कंपैरिजन में कम है। जब हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HREC गुड़गांव में टाटा और अशोक लीलैंड की चैसी पहुंची थी उस टाइम पर HREC गुड़गांव ने 2 चैसी सैंपल के तौर पर तैयार करी थी। उसके बाद HREC ने वे 2 चैसी के ऊपर बॉडी लगा कर ICAT मानेसर पास करवाने के लिए भेज दी थी। अब ICAT मानेसर ने जो अशोक लीलैंड की बस थी नहीं वो तो पास कर दी, लेकिन जो टाटा कंपनी की बस थी नहीं उसमें ICAT मानेसर ने कहा कि आप इसके भीतर थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट करो, जिनमें से एक इम्प्रूवमेंट यो भी था कि भाई टाटा कंपनी की जो बस थी, जो टाटा की चैसी थी और जिसके ऊपर HREC ने बॉडी लगाई थी, भाई उसकी बॉडी की लंबाई कम करी जाए। एक बात आपने ध्यान दी होगी कि भाई टाटा कंपनी की नई BS6 में ड्राइवर और इमरजेंसी विंडो समेत टोटल 10 विंडो सीट हैं, और अशोक लीलैंड की जो नई बस है उसमें जो विंडो सीट हैं वो 11 हैं, जिसमें कि ड्राइवर विंडो और इमरजेंसी विंडो भी शामिल है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाई जो हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन गुड़गांव ने टाटा कंपनी की बसों की जो लंबाई कम करी है वो अपना एक पैरामीटर के अकॉर्डिंग ही करी है, जो भी ICAT मानेसर ने जो भी बताया था उसी हिसाब से चेंज कराया गया। तो भाई अगर आपका कोई और डाउट है तो वो भी आप जरूर कमेंट कर सकते हो, और हरियाणा रोडवेज से जुड़े सभी आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना दी जाएगी। हालांकि जो बड़ी वीडियो होंगी वो सारी की सारी हरियाणा रोडवेज इन्फो चैनल पर ही आएंगी सारी की सारी।